दोस्तों अक्सर हमारी वीडियोस में जो हम वीडियोस में आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार या बताते हैं आप लोगों को आपके लीगल राइट्स, उसमें अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं लोग कि सर अभी मैं बेल पर आया हूं तो बेल जो अभी हुई है मेरी ट्रायल किस तरह चलेगा, मतलब कि बेल और ट्रायल में डिफरेंस क्या है, ट्रायल में कितना वक्त लगता है, अभी जैसे मेरी बेल मिली तो क्या तभी मुझे सजा हो गई थी। ऐसे कई तरह के लोगों के दिल में सवाल है, क्योंकि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करते ही जब वो जेल जाता है तो तभी अक्सर ऐसा लोग सोच लेते हैं कि सजा हो गई है या कितने टाइम की वो सजा होगी। और ज्यादा कुछ जानने के लिए बेल, इंटरिम बेल या फिर क्या होता है ट्रायल, ये सब जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों अपने देश का कानून, अपने देश का संविधान और छोटी मोटी जो लीगल प्रक्रिया होती है या जो आपके अधिकार है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना कभी जिंदगी की छोटी बड़ी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, मुसीबत आएंगी जो कि आपकी पूरी जिंदगी को ही हिला कर रख देंगी। उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है और उसमें बिल्कुल आपको मदद करेगी हमारी ये वीडियो जो हम लेकर आते हैं। हम एफर्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको कानूनी जानकार बनाने। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों अक्सर हमने कई सारी वीडियोस बनाई आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोशिश की। जब भी आप हमसे हमारी वीडियोस में कमेंट कर पूछते हैं या हमें व्हाट्सएप करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी तरह से सही तरह से आपको बता सकें जो आपका केस है उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। जब भी मान लीजिए किसी को पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब भी डिसाइड करते हैं कि उसको जुडिशियल कस्टडी भेजें, मतलब कि जेल भेजे जाए, या फिर भेजे पीसी कस्टडी, मतलब कि पुलिस की कस्टडी में उसको भेज दें। उसको रिमांड भी बोलते हैं कुछ शब्दों में, जैसा मैंने पहले रिमांड के ऊपर वीडियोज बनाकर आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश की है, विस्तार बताने की कोशिश की है। पर जब आपको जेल भेजा गया, जेल जाने के बाद डेढ़ महीना, दो महीना, तीन महीने, साल भर के बाद जब आपकी बेल हुई, बेल से आप वापस आए, उसके बाद मतलब कि या तो जैसे ही केस शुरू हुआ, जैसे ही चार्जशीट लगी, जैसे ही चालान पेश हुआ किसी भी कोर्ट में, जो भी आपका कंसर्न कोर्ट होता है मजिस्ट्रेट साहब के पास में, जैसे ही चार्जशीट लगती है उसके बाद से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ट्रायल की प्रक्रिया आप मान लीजिए कि जेल के अंदर है तो भी शुरू की जा सकती है, आप बेल पर आ गए हैं तो भी हो सकती है, क्योंकि चालान के बाद, चार्जशीट के बाद ही शुरू होगा आपका ट्रायल। ट्रायल जो चलेगा जिसमें वक्त लगेगा, दो, तीन, चार साल, पांच साल, दस साल भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस, वही है ट्रायल। बेल लेकर आए हैं वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ इतना मतलब है कि अभी आपको बेल पर छोड़ दिया गया है, अब आपका ट्रायल चलेगा, बहुत सारे वहाँ पैरवी होंगी कोर्ट के अंदर, जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने एविडेंस पेश करेगा, हम उसको क्रॉस करेंगे, आप अपने एविडेंस दोगे, साथ में वो उसको क्रॉस करेंगे, ऐसे कई सारी प्रक्रिया चलती रहती हैं। और इसके अंदर जो अब केस चलता है, जिस केस में जितने ज़्यादा डाउट्स रह जाते हैं उसी केस के ऊपर वो बरी हो जाता है, जो भी उसके अंदर एक्यूज बनाया गया था और जिसके ऊपर साफ साफ क्लियर नजर आता है, मतलब ओपन एंड शट केस होता है, उसी तरह के जो केसेस होते हैं क्लियर नजर आता है कि ऐसा कुछ क्राइम किया गया है, उसमें ही कन्विक्शन होता है। अक्सर लोग सोच लेते हैं कि छोटा मोटा कोई क्राइम हुआ, हमें 10 दिन के लिए जेल भेजा गया, हालांकि मैंने किया भी नहीं था, बट क्या मुझे कन्विक्शन होगा, क्या मुझे 2 साल, 10 साल, 5 साल कोई भी सजा हो सकती है। दोस्तों बेल और ट्रायल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बेल मतलब होता है कि अभी निश्चित समय के बाद जैसे ही चार्जशीट लगाई गई, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, उस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में आपको बेल दी जाती है, क्योंकि वो एक तरह से आपका अधिकार भी है, क्योंकि अभी आप कन्विक्टेड नहीं हो। अक्सर ये स्लोगन भी हमेशा बोलते हैं, सभी कोर्ट में ये फेमस भी होता है, एन अक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक आपका दोष सिद्ध ना हो जाए, जब तक वो दोष प्रूव ना हो जाए,
तब तक आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, तो आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अक्सर हमने देखा है जब कोई बेल के बाद आता है तो बहुत तरह की प्रॉब्लम सामने खड़ी होती है, और जब भी कोई पुलिस वाला छोटी मोटी इंक्वायरी के लिए भी आता है तो घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल को आप फेस कीजिए, ट्रायल को अच्छे से आपके वकील साहब अगर केस में सही से प्रेजेंट करेंगे तो मेरा मानना है अच्छे से केस को लड़ेंगे तो आप कन्विक्ट नहीं होंगे, अगर आपको गलत फंसाया गया था या वो झूठा मुकदमा था। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी रंजिश निकालने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए लोगों को फंसा देते हैं, झूठे केस उन पर लगा देते हैं। दोस्तों, आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स है किसी भी तरह के केस को लेकर, आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को पूछिए या हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उस पर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और साथ ही कोई परेशानी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। और दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।